महाकालेश्वर मंदिर में तैयार लड्डू प्रसादी आज अयोध्या रवाना होगी। भोपाल में सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 22 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बटेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से 5,00,000 लड्डुओं की प्रसादी गुरुवार देर रात भोपाल के लिए भेज दी गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की लड्डू प्रसाद निर्माण यूनिट ने प्रसादी को 5 कंटेनरों से भोपाल रवाना किया। शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के मानस भवन से इन कंटेनरों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या रवाना करेंगे। ये लड्डू प्रसादी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वितरित किए जाएंगे। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने घोषणा की थी कि अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 5,00,000 लड्डुओं की प्रसादी श्री महाकालेश्वर मंदिर से भेजी जाएगी। उसी घोषणा को पूरा करते हुए 5,00,000 लड्डू तैयार किए गए हैं। इनकी लागत करीब 1 करोड़ रुपए है। 250 कर्मचारियों ने 6 दिन में लड्डू तैयार किए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि 250 कर्मचारियों ने 6 दिन में लड्डू प्रसाद तैयार कर इन्हें पैकेटों में पैक किया है। प्रत्येक लड्डू प्रसाद को अलग बॉक्स में रखा गया है। एक बड़े बॉक्स में 448 छोटे बॉक्स रखकर पैकिंग की गई है। बड़े बॉक्स की संख्या करीब 1,121 है। यह सभी बॉक्स 5 बड़े कंवर्ट कंटेनर में लोड किए गए हैं। अयोध्या में महाकाल का प्रसाद वितरित होने से श्री महाकालेश्वर मंदिर की ब्रांडिंग होगी। कड़ी सुरक्षा में अयोध्या तक पहुंचेंगे कंटेनर। समिति द्वारा अयोध्या भेजे जाने वाले 5,00,000 लड्डू प्रसाद के कंटेनर कड़ी सुरक्षा में अयोध्या तक पहुंचेंगे। पूरी तरह से कवर्ड कंटेनरों में ताला लगाया गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में मंदिर के कुछ कर्मचारियों को इन कंटेनरों के साथ जाएंगे। प्रसाद के सभी पैकेट अयोध्या में श्री राम निर्माण समिति को सौंपे जाएंगे। समिति के माध्यम से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के छोटे पैकेट वितरित होंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के लड्डू प्रसादी को भारत सरकार की संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाइजीन के लिए 5-स्टार रेटिंग दी है। इसके पीछे कारण यह है कि यह लड्डुओं को बनाते समय शुद्धता और विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा लड्डू प्रसाद का भोग सर्टिफिकेट ऑफ ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गुड मिल चुका है। विशेष तरीके से बनती है लड्डू प्रसादी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद यूनिट में लड्डू बनाने से पहले एक बार में 20 किलो बेसन, 5 किलो रवा को 20 किलो शुद्ध घी में मिलाकर भट्टी की तेज आंच पर सेका जाता है। 1.5 से 2 घंटे तक यह प्रक्रिया चलती है। सिकाई के दौरान इस मिश्रण को लगातार मिलाया जाता है। इसके बाद बेसन को बड़ी ट्रे में रखकर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर इसमें पिसी हुई शक्कर, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं। हाथों से इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद लड्डू का मिश्रण तैयार हो जाता है। इस मिश्रण को लड्डू का आकार दिया जाता है। तोल के बाद अलग अलग वजन में पैक कर प्रसादी की महाकालेश्वर मंदिर के काउंटरों तक पहुंचाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।